जालंधर स्थित श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां अनंत चौदस पर बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के चलते एक दिन पहले ही हवन से इसकी शुरुआत हो जाती है। आनंद और चढ़ा परिवारों की ओर से बरसों पहले शुरू की गई मेले की रीत अब सभी कौम की आस्था में बदल गई है। 1960 के आसपास चंद घंटों तक चलने वाला मेला अब 3 से 4 दिन तक दिन रात चलता है। मान्यता है कि इस तपोभूमि पर आदर्श मुनि तपस्या करते थे। बाबा सोडल की माताजी उनकी सेवा करती थी। मुनि जी ने कहा, बेटी तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। इस पर माताजी ने उनसे पुत्र रत्न का वरदान मांगा। मुनि जी ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारे भाग्य में औलाद सुख नहीं है। मुनि जी ने उन्हें भगवान विष्णु की आराधना कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने संतान पर कभी गुस्सा न करने की हिदायत भी दी। एक दिन बाबा जी की मां तालाब पर कपड़े धो रही थी, तब बाबा सोडल 5 साल के थे। मां ने उन पर गुस्सा किया तो वे तालाब में गायब हो गए। मां को बिलखते देख बाबा सोडल ने नाग के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं सदा यहीं आपके बीच रहूंगा। इस स्थान पर नतमस्तक होने वाले निसंतान भक्तों को भी औलाद सुख मिलेगा। करीब 150 साल पहले शुरू हुई बाबा सोडल की मान्यता आज लाखों भक्तों की मन्नतों में बदल चुकी है। भक्त अपनी मुरादें पूरी होने पर बच्चों को और अपने सगे संबंधियों के साथ लेकर ढोल बाजों के साथ नाचते गाते आते हैं। मंदिर के चारों तरफ कई किलोमीटर में आने जाने वाले भक्तों के लिए दिन रात लंगर चलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।